तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और अब पहुंच गए बालोतरा। बालोतरा के सामने आप जो सामने लुक देख रहे हैं वो है जसोल का। ये जो सामने लुक देख रहे हैं जसोल का है, जसोल का फर्स्ट लुक ऐसा। और ये लूनी नदी है, वहाँ से थोड़ा पानी आ रहा है। वो देखो आप, दिख रहा होगा आपको पानी थोड़ा थोड़ा, उधर से पानी आ रहा है और इधर थोड़ा थोड़ा इधर है, ज़्यादा नहीं है। लूनी नदी आपको पता है मतलब हमेशा चलती नहीं है, 24-12 मास नहीं चलती है, कभी कभी चलती है। तो अभी ये इतनी चल रही है, सूखी है, थोड़ी बहुत चल रही है मामूली सी, बाकी ज़्यादा अगर सूखी है ऐसा समझो, सूखी समझो आप। तो माजी शाह के धाम आपको लेके चलता हूँ और वहाँ कराऊंगा माजी शाह के दर्शन, बाद में कराऊंगा नाकोड़े जी के दर्शन। ठीक है, चलते हैं। माजी शाह माता के बाहर से कुछ ऐसा है, काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, भक्तों का भी काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है, ट्रैफिक भी रहता है। दुकानें यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप दोनों तरफ भारी भरकम दुकानें हैं। एक साइड कुछ खाली होगी, अभी शाम हो गई है ना, और एक साइड है, और ये शेड है ना, रोड से चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप मिट्टी से बने हुए कुछ चीज़ें, बहुत ही खूब है और खूबसूरत है, गजब की। और खिलौने वगैरह की दुकानें हैं उस सामने, प्रसादी कुछ खिलौने की दुकानें हैं। पूरे यहाँ से पूरे में दुकानें मिलेगी और आगे व्यवस्था अलग हो जाएगी, फिर आगे पार्किंग आ जाएगी लास्ट में। अब ये फाइनल दुकानें हैं, यहाँ तक माता जी की मूर्तियाँ वगैरह मिल जाएंगी। और ये लास्ट दुकान है मिठाई की, फिर आगे अलग व्यवस्था हो जाएगी। यह मेन गेट, जय माँ जसोल। अंदर गेट में घुसने के बाद में इस तरह से पंडाल बनाए हुए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। और ये मंदिर के कुछ इस तरह से है शुरुआती रूप। और ये मंदिर का वो हिस्सा है, देवी के दर्शन अलग से हैं। ये देवालय बनाए गए, फिर से मंदिर के चारों ओर से मतलब ये पंडाल बनाए गए हैं, ये व्यवस्था बनी रहे इसलिए ये किया गया है। आगे आप देख सकते हैं फिर से मंदिर, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी भूभाग में है, अलग अलग मंदिर हैं, एक फिक्स एक मंदिर नहीं है, यहाँ पे है मेन मंदिर है वो यहाँ पे है। माता जी की आरती हो रही है, सामने जो दिख रहा है हॉल है, यहाँ पे आप रुक सकते हो रात में कभी भी आके। और भोजनशाला रहती है, दिन में तो रहती है 11-12 बजे से 2 बजे तक रहती है, और रात में 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे फिक्स बंद हो जाएगी, 9 बजे से पहले आप आते हो खाना भी खिला देंगे। सामने झरना खूबसूरती के लिए, बहुत गजब का लोकेशन है, भोजनशाला भी बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ा भूभाग है और शानदार भी है। और सामने माता जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आज का भी लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। जय माजी सारी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। माजी साहब मंदिर रुक गया था मैं रात को, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था खूब है और सब बता ही दिया था आपको रात को। और सामने मंदिर है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है इस मंदिर के, अभी तक काम चल रहा है।